क्या हो जब आप किसी विशेष काम के लिए लगातार संघर्ष करें, यहाँ तक कि आपको जेल भी जाकर आना पड़े, और बाद में जब वही काम होता है तो आपको उसके लिए बुलावा नहीं दिया जाता। जी हाँ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन समारोह में, जहाँ 33 साल पहले लालकृष्ण आडवाणी ने जो संघर्ष किया और जेल गए, उनको ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। तो चलिए बिना किसी देर किए बताते हैं आखिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आडवाणी के साथ ऐसा क्यों किया। 25 सितंबर 1990, आज से 33 साल पहले इस दिन बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा सोमनाथ से निकली थी। इस यात्रा को देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या पहुंचना था। हालांकि ये यात्रा अपने गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाई, किंतु इस यात्रा से पूरे देश में हलचल मची। चारों ओर राम मंदिर और लालकृष्ण आडवाणी के चर्चे होने लगे। इतना ही नहीं, इस यात्रा से उस समय सत्ता में बैठे पीएम वीपी सिंह की सरकार भी गिर गई थी। यही नहीं, आज भी जब कभी हम रथ यात्रा का शब्द सुनते हैं तो लोगों के मन में उस समय आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के दृश्य ही सामने आने लगते हैं। सबसे खास बात यह रही कि इस यात्रा के साथ वही नरेंद्र मोदी थे जो आज भारत के प्रधानमंत्री है। इस रथ यात्रा का देश की पब्लिक के दिलों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जहां जहां से ये रथ यात्रा निकली वहां से केवल फूल ही बरसे। जहां से रथ यात्रा निकली वहां की मिट्टी को लोग भव्य तिलक मानकर अपने मस्तक पर लगाने लगे थे। रथ यात्रा कवरेज करने वाले पत्रकारों की माने तो उस समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की रैलियां देखी थी, इंदिरा गांधी का करिश्मा देखा था, लेकिन ऐसी कोई रथ यात्रा नहीं देखी थी जिसकी धूल को लोग अपने माथे पर लगाने लगे। और लालकृष्ण आडवाणी की लाख कोशिशों के बावजूद रथ यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। इसका भी एक कारण ये रहा था कि उस समय तत्कालीन बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को राज्य में आने की परमिशन नहीं दी थी, और तो और रथ यात्रा के प्रमुख लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी करवा दिया था, और इसी के साथ रथ के पहिए वहीं पर थम गए थे। लेकिन आडवाणी का नाम इस ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया था। ठीक 33 साल बाद आडवाणी का संघर्ष खत्म हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस पल का आडवाणी को पता नहीं कब से इंतजार था, लेकिन ये एक कुयोग ही कहा जा सकता है कि आडवाणी खुद राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं आ पाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चंपकलाल के अनुसार आडवाणी से निवेदन किया गया कि वो मंदिर के उद्घाटन पर ना आए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि इस समारोह के लिए सभी तैयारियां 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी से शुरू होगी और सोमवार यानी 22 जनवरी तक चलेगी। उनके अनुसार समारोह में 13 अखाड़े और 150 संत हिस्सा लेंगे, जिसमें 6 शंकराचार्य भी शामिल होंगे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश भर के 4000 संतों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ वैष्णो देवी मंदिर के साथ देश के कई अन्य बड़े मंदिरों के प्रतिनिधि भी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही अभिनेता रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, रामायण के अभिनेता राम यानी अरुण गोविल, महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के साथ देश के अन्य बड़े चर्चित चेहरों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में अहम बात यह है कि जिस व्यक्ति ने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, जेल गए, वो प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं आएंगे। इसका कारण आडवाणी की बढ़ती हुई उम्र है। हालांकि सूचना है कि पूर्व में ट्रस्ट ने आडवाणी को समारोह में नहीं आने की बात कही थी, किंतु बाद में उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या लालकृष्ण आडवाणी इस भव्य सजावट को देख पाएंगे या बढ़ती उम्र का हवाला देकर समारोह में शामिल नहीं होंगे।
जयपुर से संदीप अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों के लिए लगातार बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। मैं आपके साथ सद्दीका मनोहर सोनी, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।